प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य आपको करंट अफेयर्स से जुड़े नवीनतम प्रश्नों से परिचित कराना है, जो अक्सर UPSC, स्टेट PSC, SSC, IAS, PO, UGC नेट, NDA और CDS, बैंकिंग और रेलवे आदि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से नवीनतम करंट अफेयर्स प्रश्नों की प्रकृति को समझना आपके लिए सरल होगा। तो करंट अफेयर्स के आज के सेगमेंट में प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने अरब डॉलर का रहा। विकल्प ए है 420.5 अरब, विकल्प बी है 412.9 अरब, विकल्प सी है 432.8 अरब और विकल्प डी है 475.3 अरब। इस सारे आंकड़े डॉलर में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प बी यानी 412.9 अरब डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भारत का जो फॉरेक्स रहा यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार रहा वो 412.9 अरब डॉलर रहा। आपको बता दें देश की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 को मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला आर्थिक सर्वे है। इससे पहले इस साल देश के लिए किए गए अंतरिम बजट के दौरान आर्थिक समीक्षा पेश नहीं की गई थी। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात विकास दर कितने प्रतिशत रही। विकल्प ए है 2.5%, विकल्प बी है 13.7%, विकल्प सी है 15.4% और विकल्प डी है 18.9%। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी यानी 15.4%। आर्थिक समीक्षा 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आयात विकास दर रही वो 15.4% रही। आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत की आर्थिक विकास दर सालाना 8% होने की जरूरत है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019 और 20 में GDP ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में GDP ग्रोथ रेट 5 साल के न्यूनतम स्तर पर रहा था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व अभी सर्वोच्च स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार 2018-19 में 412.9 अरब डॉलर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024-25 तक कितने ट्रिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकल्प ए है 2 ट्रिलियन, विकल्प बी है 3 ट्रिलियन, विकल्प सी है 5 ट्रिलियन और विकल्प डी है 7 ट्रिलियन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी यानी कि $5 ट्रिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में देश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए निजी निवेश, निर्यात और रोजगार पैदा करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। अगला सवाल है दोस्तों, चौथा सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी MFFR इस इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है केरल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी यानी महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स यानी AMFFRI इसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवा सवाल है, भारतीय उद्योग जगत के किस दिग्गज उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया है। विकल्प ए है AK बिरला, विकल्प बी है बसंत कुमार बिरला, विकल्प सी है कुमार मंगलम बिरला और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज उद्योगपति का निधन हुआ है। तो वो है दोस्तों विकल्प बी यानी बसंत कुमार बिरला। बिरला समूह के संरक्षक और भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज उद्योगपति बसंत कुमार बिरला का मुंबई में निधन हो गया। वे सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे और 15 साल की आयु से ही उन्होंने कारोबार करना प्रारंभ कर दिया था। तो 15 साल की आयु से ही ये कारोबार में सक्रिय थे। छठा सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में वित्तीय वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
विकल्प ए है 6.5%, विकल्प बी है 7%, विकल्प सी है 7.5% और विकल्प डी है 8.3%। तो दोस्तों इस सर्वे में जो जीडीपी का ग्रोथ परसेंटेज रखा गया है वो है विकल्प बी यानी कि 7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में वित्त वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 7% की वृद्धि अनुमानित की गई है। ज्ञात हो कि वित्त वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के लिए प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ने की आवश्यकता होगी। सातवां सवाल है, हाल ही में किसने पहला निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? विकल्प ए जम्मू कश्मीर, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है राजस्थान और विकल्प डी है उत्तराखंड। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा विकल्प ए यानी जम्मू कश्मीर। राज्य में निवेश बढ़ाने और राज्य के संबंध में चली आ रही गलत धारणाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर इस वर्ष अपने पहले निवेशक शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर का यह पहला निवेशक शिखर सम्मेलन श्रीनगर में सितंबर अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। आठवां सवाल है, फाजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प ए मोहम्मद अनस, विकल्प बी अविनाश सामले, विकल्प सी दुत्ती चंद और विकल्प डी है हिमा दास। दोस्तों ये हैं हिमा दास यानी विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। अंडर 20 विश्व चैंपियन हिमा दास ने महिलाओं के 200 मीटर के फाजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। उल्लेखनीय है कि फाजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स पोलैंड के फाजनान में आयोजित किया गया है। नवा सवाल है, पोप फ्रांसिस ने 13 अक्टूबर 2019 को होने वाली उपाधि सम्मेलन में किस भारतीय नन को संत की औपचारिक उपाधि प्रदान करेंगे? विकल्प ए है मदर तेरेसा, विकल्प बी है सिस्टर मारिया ग्रेसिया, विकल्प सी है सिस्टर मरियम थ्रेसिया और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस नन का नाम बताना है जिन्हें संत की उपाधि प्रदान करेंगे पोप फ्रांसिस 13 अक्टूबर 2019 को आयोजित होने वाले उपाधि सम्मेलन में। तो वो है दोस्तों सी यानी सिस्टर मरियम थ्रेसिया। पोप फ्रांसिस आगामी 13 अक्टूबर 2019 को होने वाले उपाधि सम्मेलन में भारत की दिवंगत नन सिस्टर मरियम थ्रेसिया को औपचारिक रूप से संत की उपाधि प्रदान करेंगे। अगला सवाल है दोस्तों और आज का अंतिम सवाल भी है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस अर्थशास्त्री को अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया है? विकल्प ए है गीता गोपीनाथ, विकल्प बी है डेविड मैग्नस, विकल्प सी है उर्सुला वान डेर और विकल्प डी है डेविड लिप्टन। तो इसका जो सही विकल्प होगा दोस्तों सही आंसर है इसका विकल्प डी यानी डेविड लिप्टन। अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अंतरिम नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें क्रिस्टीन लैगार्ड जो कि अभी तक IMF की प्रमुख थी उनकी जगह नियुक्त किया गया है। इन्हें यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद।